नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुव्रत शर्मा। खबर आ रही है गुजरात के नर्मदा जिले से। यह स्टैचू ऑफ यूनिटी परिसर में भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा स्वच्छता अभियान के अंतर्गत एक नाटक पेश किया गया, जिसमें केवड़िया कॉलोनी के जवाहर नवोदय विद्यालय के बच्चों ने भाग लिया और लोगों से अपने आसपास स्वच्छता रखने का अनुरोध भी किया और साथ ही साथ प्लास्टिक का उपयोग न करने का संदेश भी इन बच्चों ने दिया। इस कार्यक्रम में स्टैचू ऑफ यूनिटी के सीईओ नीलेश भाई दुबे, वीएस पटेल, गुजरात टूरिज्म के अधिकारीगण और जवाहर नवोदय विद्यालय के टीचर्स उपस्थित थे। प्रवासियों ने बहुत बड़ी संख्या में इस नाटक को देखा और स्वच्छता रखने का संकल्प भी लिया। टूरिस्टों को स्वच्छता के महत्व का संदेश देने के लिए कागज के चित्र और कैप भी दी गई। हमारे संवाददाता ने इस कार्यक्रम के बारे में स्टैचू ऑफ यूनिटी के सीईओ नीलेश भाई दुबे से बातचीत भी की। इंडिया खबर लाइव के लिए गुजरात नर्मदा से गौतम व्यास की रिपोर्ट। स्वच्छ भारत अने स्वच्छ पर्यटन स्थल ए आपना माननीय प्रधानमंत्री श्री नु एक स्वप्न छे। जो पर्यटन स्थल गंदा होय तो देश क्यारे पण स्वच्छ न रही सके। अपना विदेशी मेहमानो, देशना पर्यटको ए जुदा जुदा पर्यटन स्थलों पर आवे छे। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पण आजे देशनुं एक मोखरानुं पर्यटन स्थळ छे। तो आजे IITM ग्वालियर द्वारा एक अहींया सरस शेरी नाटकनुं आयोजन करवामां आव्युं, जेमां नवोदय विद्यालय जे केवड़ियामां आवेलुं छे तेना बाळकोए एक सुंदर प्रयोग अहींया रजू कर्यो छे अने अहींया घणा प्रवासीओए एनो लाभ पण लीधो। तो हवे मारी एक ज इच्छा छे कि दर वर्षे आवा प्रोग्राम अहींया योजाय अने स्टेच्यू ऑफ यूनिटी खाते जे प्रवासीओ आवे छे ये प्लास्टिक मुक्त भारत एनु एक स्वप्न प्रधानमंत्री नु छे साकार करे अने अहींया पण स्टेच्यू ऑफ यूनिटी खाते एक पर्यावरण माटे जागृति फैलाय तेवी सौ विजिटरो मां मुलाकातीओ मां एनो एक संदेश प्रसरे एवी आशा साथे उभी रहूं छुं।